हे गाइस, आज मैं आप लोग के साथ अपरस का एक रामबाण नुस्खा शेयर करने वाली हूँ। ये नुस्खा 100% वर्क करता है, आप इसको इस्तेमाल करिए। ये यूज करने में बिल्कुल सरल है, इसमें आपके एक भी रुपए नहीं लगने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, आपको अपने गार्डन जाना है, या आपके गार्डन में ये चीज़ ना हो तो पड़ोसी के गार्डन भी जा सकते हो आप। वहाँ से आपको लाना है एलोवेरा। जी हाँ, आपको एलोवेरा की एक लीफ लानी है और इसका यूज करना है। एक्चुअली मुझे भी अपरस की प्रॉब्लम है, तो मैं हमेशा से एलोवेरा का इस्तेमाल करती हूँ और ये बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत जल्दी असर करता है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं अपरस क्या है। अपरस एक तरह की स्किन रिलेटेड बीमारी है जो आपको बॉडी के किसी पार्ट में भी हो सकता है, बट मुझे ये हथेली में होता है। जब भी गर्मियाँ स्टार्ट होती इसी सीजन में मुझे ये अपरस हो जाता है और मुझे होना स्टार्ट भी हो गया है। इस वक्त मेरी दोनों हथेलियों में बहुत ज़्यादा खुजली होती है एंड धीरे धीरे हथेली जो ऊपर की खाल है उसे छोड़ना शुरू कर देती है और छूने में बहुत टाइट रहती है और दर्द भी होती है स्किन। तो मुझे ये प्रॉब्लम हर गर्मियाँ जब स्टार्ट होती है तब मुझे ये प्रॉब्लम होती है। इसका बहुत सारे कारण है, जैसे किसी चीज़ से एलर्जी भी हो सकती है, या फिर आप हाथ बहुत ज़्यादा धुलते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल साबुन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। बार बार हाथ धुलने से जो हाथ का जो स्किन का जो नेचुरल ऑयल होता है वो निकल जाता है, जिससे स्किन इरिटेट हो जाती है और आपको अपरस की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर विटामिन बी की कमी से भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो आपको डॉक्टर बताएगा, लेकिन हाँ, बार बार आप अगर हाथ धोते हैं तो भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है कि आप हाथ धुलना ही बंद कर दो। आपको हाथ हैंड वॉश करना है, हाथ धुलना है, बट कम धुलना है। मतलब आप जब भी हाथ धुलो, ये नहीं कि हर बार आप साबुन यूज करो या हैंड वॉश ही यूज करो, वो केमिकल यूज करो। आप सिंपल सा भी पानी से भी हाथ धुल सकते हैं, ठीक है, जिससे जो नेचुरल ऑयल होगा वो नहीं निकलेगा, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। मुझे ये दिक्कत होती है तो मैं हैंड वॉश इस वक्त मैं कम करती हूँ। दिन में एक या दो बार ही मैं हैंड वॉश यूज़ करती हूँ, बाकी टाइम मैं ऐसे ही अपने हाथों को साफ करती हूँ। तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन उसके साथ मैं इस्तेमाल करती हूँ इसका। ये है एलोवेरा, जिसे मैंने अपने गार्डन से लेकर आई हूँ, पड़ोसी के गार्डन से नहीं लाई हूँ। तो ये जो एलोवेरा होता है ना, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कांटे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एलोवेरा धुल लीजिए, ठीक है, धुल के साफ करके ये जो कांटे हैं इसे आप साइड से निकाल लीजिए। ये मैं तोड़ के लाती हूँ, जब भी मैं इसे लाती हूँ तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि जब एलोवेरा यूज करते हैं ना, एक लीफ में भी काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब जेल होता है, और इसको एक दिन में आप यूज नहीं कर सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ, इसे दो या तीन दिन यूज करती हूँ। इसके लिए मैं इसे फ्रिज में स्टोर करके रख देती हूँ, ये ख़राब नहीं होता। उसके बाद कुछ ऐसे, जब आप साइड से काट लें तो कुछ ऐसे आपको ये लीफ खोल लेनी है। जब आप इससे खोलेंगे तो आपको नेचुरल एलोवेरा जेल मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। आप चाहो तो मार्केट का एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो, अगर आपके पास ये लीफ नहीं है, या फिर आप उसे, आपको यूज करना थोड़ा सा, आपको चिपचिपाहट सी महसूस होती है, गंदा सा लगता है, ऐसा लोगों को होता है, हर किसी को नहीं होता है, तो आप यूज कर सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि वो आपको इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। हाँ, वो भी खुजली वगैरह कम करने के लिए यूज़ किया जाता है, बट हाँ, अगर अपरस के प्रॉब्लम है तो आप इसे यूज करो। अभी मैं हथेली भी खोल रही हूँ ना, तो मेरी स्किन ना खिंच रही है, मुझे दर्द हो रहा है, और जबकि मैं इसे दो तीन दिन से यूज कर रही हूँ तो मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं है। शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो गई थी, तो आप बस दो तीन दिन में आप देखोगे आपको ये प्रॉब्लम जो आपकी है वो सॉल्व हो जाएगी। तो क्या करना है, सीधे आपको एक लीफ लेनी है और अपने हथेली पे कुछ ऐसे रगड़ना है, ठीक है। आपको गूदा वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सिंपल आप इसको रगड़ो। अगर आपकी हथेली में ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, या आपके पैर के तलवे में ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि आप इसे लगाओ तो थोड़ा सा जलन सी हो, जलन नहीं, आई थिंक करंट जैसा लगता नहीं है कि चुनचुनाहट जैसी होती है, तो वो शायद आपको हो, लेकिन मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। सिंपल सा आपको ऐसे गूदा निकालना है एंड अपने हथेली पे जैसे भी चाहो इसे अप्लाई करना है। 5 मिनट की इससे मसाज करनी है।
ठीक है। और दिन में 2 बार आप इसको यूज करो, सुबह के टाइम जब भी आपको फ्री टाइम मिले, आप सुबह सुबह उठ जाइए गार्डन वगैरह में टहलिए, उस वक्त आप एक लीफ ले लीजिए और टहलते हुए आप इस तरह अपने हाथों की मसाज कीजिए। इससे क्या होगा, आपका मैनिक्योर भी होगा, बहुत अच्छी तरह से हाथों को क्लीन करता है और आपकी स्किन हेल्दी भी होगी और साथ ही नाखूनों के लिए भी एलोवेरा बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह आप अपने हाथों की मसाज करिए, 5 मिनट की मसाज करिए और उसके बाद इसे धुलने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे यूं ही छोड़ सकते हो, जब भी कुछ खाना खाने जाओ या नॉर्मल किसी काम के बाद अपना हैंड वॉश करोगे तो आपका जो एलोवेरा जेल है वो खुद ही निकल जाएगा। तो तुरंत आपको धुलने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे कुछ देर लगा रहने दीजिए और दिन में 2 बार सुबह शाम आप इसको यूज करो, देखिएगा कि बस ये जादू जैसा काम करेगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। मेरे को खुद ये दिक्कत है, मैं खुद इसकी रोगी हूँ, मुझे हर बार ये अप्रस की प्रॉब्लम होती है तो मैं यही यूज करती हूँ। आपको बता दूँ ये नुस्खा मुझे पता कैसे चला, क्योंकि मेरे पापा को भी अप्रस की प्रॉब्लम थी, तो एक वैद्य जी ने उन्हें ये बताया था जब आई थिंक मैं नहीं आई थी दुनिया में, तब मुझे उन्हें प्रॉब्लम थी। जब मुझे ये प्रॉब्लम हुई तो मैंने पापा से शेयर किया, तब पापा ने मुझे मेरे साथ ये नुस्खा शेयर किया था एंड उन्होंने ये बताया था कि उन्हें भी ये दिक्कत थी, तब वैद्य जी ने बोला था, तब पापा ने इसको यूज किया और इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ा और उन्हें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको एलोवेरा की एक लीफ लेनी है, इसका जेल निकालना है और अपने हाथों की मसाज करनी है, 5 मिनट की मसाज करिए और उसके बाद यूं ही छोड़ दीजिए। दोस्तों बहुत इफेक्टिव है, इसके अलावा भी एक दो और भी उपाय आप उसे भी कर सकते हो, जैसे हल्दी और गुलाब जल का लेप अपने हाथों पे लगा सकते हो, फिटकरी के पानी में कुछ देर अपने स्किन को डुबो के रख सकते हो, अपने हाथ को डुबो के रख सकते हो या पैर को डुबो के रख सकते हो, या फिर कुछ लोगों को गले वगैरह में भी अप्रस की प्रॉब्लम हो जाती है तो फिटकरी को पानी वहाँ पे भी अप्लाई करते हैं जिससे जो खुजली वगैरह है वो कम हो जाती है। लेकिन उसे मुझे थोड़ा सा टिपिकल लगता है कि पहले फिटकरी को भिगो पानी में, उसका पानी बनाओ और उसके बाद उसे लगाओ, ये मुझे ज़्यादा इजी लगता है कि मैं हाँ सुबह टहलते हुए शाम को टहलते हुए भी मैं इसको यूज कर सकती हूँ और साथ ही मेरा जो मैनिक्योर है वो भी हो जाता है और मेरी स्किन भी हेल्दी हो जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। मैंने यूज किया है, इसके रिजल्ट से मैं खुश हूँ, इसीलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप भी ये नुस्खा ट्राई कर सकते हो, ट्राई करने के बाद आपका जो भी अनुभव है मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं जो ट्राई करने से पहले ही जानना चाहते हैं कि यार ये असर करेगा कि नहीं करेगा, जबकि आपको पता है कि एलोवेरा लीफ तो नॉर्मल चीज़ है, आप इसे ट्राई करके भी देख सकते हो, लेकिन वो आप लोगों से रिजल्ट जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में ये नुस्खा वर्क करता है कि नहीं। तो प्लीज़ आपका जो भी रिजल्ट हो कमेंट्स में जरूर शेयर करना ताकि उनको भी पता चल सके कि हाँ ये वाकई में वर्क करता है। तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एंड पहली बार चैनल पर आया तो नीचे जो रेड कलर का बटन है ना सब्सक्राइब का, उसे यार मार दो, क्लिक कर दो, उसे गोली मार दो, उसे क्लिक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बगल में जो घंटी है ना टन से उसे बजा दो। दोस्तों मैं इस तरह की वीडियो आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आप लोग के साथ कुछ अच्छा शेयर करूंगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।